ओके नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हेल्थ कार्ड गामा और रेजोनरी क्यूए सेशन में। जैसे कि पिछले शनिवार जो हमने सेशन किया उसमें हमने आप सभी को बोला कि आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन भेजिए, गामा और रेजोनरी पे जो भी आपके प्रश्न है वो हमें भेजिए। और आपने बहुत से प्रश्न भेजे और उन्हें कहा आज हम यहाँ पे टेकअप करेंगे उन्हीं क्वेश्चन को ईशा वशिष्ठ मैम के साथ, जो कि हमारे साथ डायरेक्टली दूरी से कनेक्टेड है। ईशा वशिष्ठ मैम हमारे वाइस प्रेसिडेंट एपी ऑर्गेनिक्स के, वही कंपनी जो आपके चहेते हेल्थ कार्ड प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे पिछले हफ्ते की वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दिया और इतने ज्यादा उस पर व्यूज आए। तो आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं, जो हमें पिछले हफ्ते आपके सभी कमेंट्स के द्वारा क्वेश्चन मिले उन्हीं से आज का हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें मिला पिछले हफ्ते के कमेंट्स के थ्रू कि वो ये है कि क्या हेल्थ कार्ड गामा और रेजोनॉल पैरालिसिस के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है? जी विनु, ये क्वेश्चन हमें काफी बार पूछा गया है कि लकवे के मरीज या जिनको पैरालिसिस अटैक हुआ है या पैरालिसिस है उनके लिए हेल्थ गार्ड गामा और रेजोनॉल कितना कारगर साबित हो सकता है। तो उसकी मैं आपको बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च में नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप हेल्थ गार्ड हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, तो हेल्थ गार्ड पर जाकर देखें। एक टेस्टिमोनियल है वहां पर, बबीता जी हैं हरियाणा से, जिनके हस्बैंड को ऐसी कंडीशन थी यानी कि उनको लकवा हो गया था, उनको पैरालिसिस हो गया था। तो उन्होंने जब अपने हस्बैंड को हेल्थ गार्ड गामा और रेजोनॉल खिलाना शुरू किया, उनकी कंडीशन एक हफ्ते में इम्प्रूव होने लग गई और 15 से 20 दिनों में वो बहुत ज्यादा ठीक हो गए। वो आप वीडियो में ही देखिएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं मेरे पास, बहुत सारी स्टडीज हैं। तो अगर हम जिनको जिन्होंने कोई चीज एक्सपीरियंस की है, अगर उनका एक्सपीरियंस जाने, उनकी बात सुने, तो वो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। जी, और इसी के साथ मैम अगला सवाल ये आते हैं, क्या गामा और रेजोनॉल को लाइफ टाइम लेना चाहिए? जी हाँ, ये गामा और रेजोनॉल को आप एक तरह से एक पोषक तत्व मानिए। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, जैसे एक डाइटरी सप्लीमेंट को, हेल्थ सप्लीमेंट को हम पूरी लाइफ ले सकते हैं, वैसे ही गामा और रेजोनॉल को भी आप पूरी लाइफ लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप 3 महीने, सिर्फ 3 मंथ्स आप हमारे कहने पर ले लीजिए, एपी ऑर्गेनिक्स के कहने पर ले लीजिए या आरसीएम के कहने पर ले लीजिए। जब आपको अपनी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आएगा, जब आपको उसके बेनिफिट फील होने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद ब खुद आप उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे और लाइफ टाइम इसे लेंगे और इसके फायदे पूरी जिंदगी पाते रहेंगे। जी, और अगला सवाल जो हमारे पास आया कमेंट्स के थ्रू वो ये है कि हार्ट पेशेंट को गामा और रेजोनॉल दिया जा सकता है? जी हाँ, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बहुत बेहतरीन है। 1986 से जापान ने इसे एज अ मेडिसिन रजिस्टर किया हुआ है, एज अ मेडिसिन जापान ने इसे रजिस्टर कर दिया है, अप्रूव्ड नेचुरल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारी आर्टरीज में जम जाता है उसको कम करने के लिए गामा और रेजोनॉल एज अ दवा, एज अ कुदरती मेडिसिन रजिस्टर्ड है जापान में। और इसका कोलेस्ट्रॉल की अगर आप या हार्ट से रिलेटेड आप इसके इफेक्ट देखना चाहते हैं, आप एक काल गामा रिजनॉल जो अमेरिका की कंपनी है वो इसको क्लेम करके सेल कर रही है, आप अमेजोन पर भी देख सकते हैं, फॉर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, यानी हार्ट से संबंधित आपकी जो सेहत है, कार्डियोवेस्कुलर आपकी कार्डियो हेल्थ को ये प्रमोट करता है, ये उसको बढ़ावा देता है। जी, और इसी के साथ इसके एक्सटेंशन में एक क्वेश्चन है, क्या एंजियोप्लास्टी वाले भी गामा और रेजोनॉल को ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं और उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा गामा और रेजोनॉल। जी, और अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है मैम वो ये आ रहा है, क्या हाई बीपी के लिए गामा और रेजोनॉल मददगार है? जी हाँ, हमारे पास स्टडीज हैं जो कहती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर अगर जिनको है उनको बहुत फायदा हो सकता है गामा और रेजोनॉल लेने से। लेकिन यहाँ पर मैं एक, आप चाहे उसे मेरी सलाह समझ लीजिए या चेतावनी समझ लीजिए, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो गामा और रेजोनॉल ले रहा है, साथ ही साथ उसे अपनी जो हाई ब्लड प्रेशर की वो गोली ले रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ले रहे हैं, जो अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, उसकी डोजेज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद गामा और रेजोनॉल लेने के कारण आपकी वो जो हाई ब्लड प्रेशर की गोली है उसकी डोजेज कम होनी शुरू हो जाएगी।
अगर आप 100 एमजी की अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो वो 80 एमजी, 50 एमजी, 25 एमजी और धीरे धीरे वो आपकी कंप्लीटली छूट सकती है। तो आपको उस दवा की मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है और अगर आप डॉक्टर की मदद से उसकी मॉनिटरिंग करें तो वो बहुत अच्छा होगा। तो क्या लो बीपी वाले भी गामा रेजोनेंस को ले सकते हैं? लो बीपी वालों का बीपी ठीक हो जाएगा इसका हम दावे के साथ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास अभी उसकी स्टडी नहीं है, लेकिन हाँ उनको कोई नुकसान नहीं होगा वो हम कह सकते हैं क्योंकि 66 साल हो चुके हैं। हर तरह के लोग जिनको कोई भी बीमारी है वो गामा रेजोनेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक गामा रेजोनेंस का कोई साइड इफेक्ट आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो उनको बाकी फायदे जरूर मिलेंगे गामा और रेजोनेंस के। मोटापा कम जी, और अगला सवाल जो हमारे पास कमेंट्स के थ्रू आया वो ये है कि मोटापा कम करने के लिए गामा और रेजोनेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ हाँ, मोटापा कम करने के लिए भी किया जा सकता है। मैंने खुद गामा और रेजोनेंस लेकर और कीटो डाइट फॉलो की मैंने 60 दिनों के लिए, तो मैंने खुद 17 किलो वेट लूज किया और उसमें मैं मानती हूँ मेरा पूरा पूरा विश्वास है क्योंकि 60 दिनों में अगर 17 किलो किसी का वेट कम हो रहा है तो जरूर उसे कुछ ना कुछ हेल्प मिली है कोई आउटसाइड चीज से और वो हेल्प मुझे गामा रेजोनेंस से मिली है। और ऐसे ही बहुत सारी स्टडीज हैं इंटरनेट पर, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, कोरिया की स्टडी है, कोरियन विमेन, उन्होंने 12 हफ्तों में वेट लूज किया है विद द हेल्प ऑफ गामा रेजोनेंस जब वो अपने वेट लॉस प्रोग्राम पर थी। ऐसे ही चाइना की भी एक स्टडी है, ब्राजील की स्टडी है और भी आपको स्टडीज इंटरनेट पर मिल जाएंगी। तो आपका आंसर है कि हाँ, अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा डाइट प्लान ले रहे हैं जिसे आप वेट कम करना चाहते हैं, उसमें अगर आप गामा रेजोनेंस साथ में ऐड कर लें अपनी डाइट में तो वो आपको वेट कम करने में डेफिनेटली मदद करेगी जी। और अगला सवाल ये है मैम, क्या मेनोपॉज के सिम्टम्स से राहत के लिए गामा रेजोनेंस को दिया जा सकता है? जी हाँ, मेनोपॉज ऐसा दौर होता है, हर महिला को 40 इयर्स के बाद मेनोपॉज के फेज से गुजरना पड़ता है। उस समय बाल झड़ना, वजन बढ़ना, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, हड्डियां कमजोर, बहुत सारी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और इन परेशानियों को ठीक करने के लिए, जैसे अगर वो डॉक्टर से, डॉक्टर कभी भी उनको मेनोपॉज के दौरान कभी भी कोई आर्टिफिशियल ड्रग देना प्रेफर नहीं करते, कोई अंग्रेजी दवा देना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उससे और भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन आज तक कोई नेचुरल विकल्प नहीं था मेनोपॉज के सिम्टम में को रिलीव करने के लिए। पर बड़ी खुशी की बात है कि जापान में 1970 से जो एज अ दवा के रूप में रजिस्टर है, नेचुरल दवा के रूप में रजिस्टर है फॉर रिलीविंग मेनोपॉजल सिम्टम्स, ऐसी दवा अब इंडिया में भी अवेलेबल है। जी हाँ, मैं गामा ओरिजिनॉल की बात कर रही हूँ। गामा ओरिजिनॉल मेनोपॉज के लक्षणों में राहत देने के लिए प्रूवन है वर्ल्ड वाइड, प्रमाणित है वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा। जी, और इसके बाद में मैं पूछना चाहूंगा, क्या नर्व्स के लिए भी गामा ओरिजिनॉल हेल्पफुल है? हाँ, गामा ओरिजिनॉल न्यूरो प्रोटेक्टिव है नर्व्स की। मैं आपको बता देती हूँ कि अल्जाइमर जैसी एक बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में भी मदद कर रहा है गामा रेजोनेंस। ये यूएसए और इटली की जॉइंट स्टडी हुई है एंड दे हैव कंफर्म्ड दैट गामा रेजोनेंस हैज हेल्प्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर। ये भी स्टडी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ओवरऑल नर्व्स के लिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इट इज डेफिनेटली न्यूरो प्रोटेक्टिव। अगर किसी के जॉइंट्स में स्टिफनेस है, हाथों में होगी या घुटनों में स्टिफनेस है या दर्द है, तो क्या उसके लिए भी गामा रेजोनेंस को दिया जा सकता है? जी हाँ, उन्हें दिया जा सकता है, उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि गामा रेजोनेंस एक ऐसी चीज है जो आपके मसल्स पे भी काम कर रही है, आपकी बोन्स पे भी काम कर रही है, आपकी नर्व्स पे भी काम कर रही है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग। एक ऐसी, इसे मेडिकल प्रोडक्ट बोले तो हम गलत नहीं होंगे, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी पूरी बॉडी पे काम कर रही है और ये जॉइंट स्टिफनेस पे भी काम करेगी और आपको खुद फायदा महसूस होगा थोड़े टाइम बाद। अगर मैं कोई शुगर का पेशेंट है जो कि कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहा है अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए, या अगर कोई फार्मास्यूटिकल दवा ले रहा है, तो क्या उसके साथ भी गामा रेजोनेंस को लिया जा सकता है? जी हाँ, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है या उनकी शुगर बढ़ती है,
हमारे पास, क्योंकि अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं गामा ओरिजिनल मार्केट में आए हुए, हमारे पास तो बहुत सारे ढेरों टेस्टिमोनियल्स आ चुके हैं कि जिन लोगों की शुगर बहुत ज्यादा रहती थी, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई रहता था, वो नॉर्मल रेंज में रहने लग गया गामा ओरिजिनल की मदद से। तो उसमें यहाँ पे जो आपका सवाल है कि अगर आप ऑलरेडी एक आयुर्वेदिक या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं शुगर को कम करने की, तो आपको अगेन उस मेडिसिन की मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, यानी कि आपकी उस आपको उसकी डोजेज को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो क्योंकि गामा ओरिजिनल डेफिनेटली शुगर को नॉर्मल लेवल पे करेगा, तो आपको वो जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसके डोजेज को कम करना पड़ेगा, या उसे आप कंप्लीटली छोड़ भी सकते हैं धीरे धीरे डॉक्टर की हेल्प से। अगला सवाल मैम जो हमारे पास है वो ये है कि गामा ओरिजिनल एज एंटीऑक्सीडेंट, इसका मतलब क्या है? गामा ओरिजिनल इज एन अप्रूव्ड एंटीऑक्सीडेंट बाय जापान आल्सो। जापान की अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट में दर्ज है, रजिस्टर्ड है गामा ओरिजिनल। अब आई थिंक इस क्वेश्चन से आप समझना चाहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, इसकी हमें जरूरत क्या है, शायद ऐसा ही सवाल है विनू। जी मैम, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे हम सेब है घर में, एप्पल होता है, अगर हम एप्पल के छिलके को उतार कर उसे टेबल पे रख दें, एप्पल को रख दें छिलका उतार कर, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे एप्पल काला पड़ जाएगा। कैसा होता है या नहीं होता? होता है, एप्पल काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि फ्री रेडिकल्स ने उसे डैमेज कर दिया। अब उसी एप्पल पे अगर मैं नींबू छिड़क दूं, अगर मैं उस पे लेमन का रस छिड़क दूं, फिर उसके बाद उसे रख दूं हवा में, तो आप देखेंगे वो काला नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि वो नींबू का रस एंटीऑक्सीडेंट है और उसने एप्पल को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा लिया। यही होता है हमारे शरीर के साथ, जैसे हमारी स्किन है वो फ्री रेडिकल डैमेज को एक्सपोज होती है, और फ्री रेडिकल्स हर तरफ हैं, हर तरफ से हमें ऑक्सीडेशन हो सकती है हमारे स्किन की, हमारे अंदर बॉडी में जब हमारे फूड डाइजेस्ट होता है तब भी ऑक्सीडेशन होती है, और जिससे हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, और ऑक्सीडेशन से कैंसर भी हो सकता है। फ्री रेडिकल्स जो इतना डैमेज करते हैं उससे कैंसर भी हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, हमारी आईज डैमेज हो सकती है, स्किन में झुर्रियां पड़ती हैं। तो अगर हम अपने डाइट में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लें तो हम इन सभी चीजों से बच सकते हैं। गामा ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट है तो ये हमारी स्किन पे भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन एजिंग को रोकता है, हमारे कैंसर से बचाता है, और इसका जो इम्यूनिटी वाला बेनिफिट है, यानी कि ये जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो बेनिफिट कहीं ना कहीं उसके एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये एक अप्रूव्ड एंटीऑक्सीडेंट है, अगर आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लें तो आप कई तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी, अगला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये है, क्या प्रेगनेंसी में गामा ओरिजिनल लिया जा सकता है? जी, हमारे लेबल पर अगर आपने गामा ओरिजिनल के लेबल पर देखा होगा, हमने लिखा हुआ है कि अगर प्रेगनेंसी है या इफ यू आर लैक्टेटिंग, तो आप अपने डॉक्टर की हेल्प से ही गामा ओरिजिनल लीजिएगा, डॉक्टर से सलाह करके, क्योंकि ये ऐसा फेज है जब हमें हर चीज डॉक्टर की सलाह से लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पास कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिसमें जिन सब्जेक्ट्स पर, उन जो प्रेग्नेंट सब्जेक्ट्स थे उन पर गामा ओरिजिनल उनको दिया गया, और उनकी जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई हम अंग्रेजी दवाइयां या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स देना डॉक्टर्स प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए वो अंग्रेजी जो नेचुरल दवाइयां हैं उन पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि क्या वो बीमारी को ठीक कर सकता है, और वो बीमारी जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं चाहिए। तो मेरे पास कुछ स्टडीज हैं गामा ओरिजिनल में उन सब्जेक्ट्स पर, प्रेगनेंसी में उनकी बीमारी को ठीक किया बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ बार बार यही कहूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है और आप कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन नहीं ले सकते, तो अपने डॉक्टर की मदद से आप गामा ओरिजिनल ले सकते हैं, क्योंकि ये तो एक कुदरती मेडिसिन है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी, और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गामा ओरिजिनल को लेने की विधि क्या है? गामा ओरिजिनल को लेने की सही विधि है
है यहाँ जो हेल्थ गार्ड गामोरिज़मोल है उसको आपने 3 कैप्सूल हर रोज लेना है। आपने देखा होगा कि जो हमारे लेबल है उस पर 2 कैप्सूल लिखा हुआ है, लेकिन हम अब आपको सलाह दे रहे हैं कि आप 3 कैप्सूल हर रोज लें। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये है कंक्लूजन निकाले हैं कि अगर 3 कैप्सूल डेली खाने शुरू कर दिए और खाने से तुरंत पहले लेने हैं, ये 3 कैप्सूल लेने शुरू कर दिए, तो गामोरिज़मोल के सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, स्पेशली इम्यूनिटी वाला, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ानी ही बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमें बचाएगी हर तरह की सिचुएशन से, हर तरह के वायरस से। तो इम्यूनिटी बढ़ाना एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। उसी के चलते हमने बहुत ज्यादा एजुकेशन करनी शुरू कर दी है कि आप 3 कैप्सूल लें ताकि आपको फायदा मिल सके। तो 3 कैप्सूल लेने हैं हेल्थ गार्ड गामोरिज़मोल के, एक सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को, खाने से बिल्कुल पहले, ताकि खाने के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाए और पूरा आपको फायदा मिले। तीनों कैप्सूल एक साथ भी ले जा सकते हैं मैम? देखिए, अगर आप कभी भूल गए, कई बार होता है ऐसे कि जब हमारी आदत नहीं बनी होती, तो आप रात को अगर आपको याद आए कि आज मैंने कैप्सूल नहीं लिए, तो आप 3 कैप्सूल एक साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास स्टडी है जिसमें 10 कैप्सूल भी अगर कोई एक साथ ले ले, अगर जो मैंने स्टडी करवाई हुई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सब्जेक्ट को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने डोजेज जरूर पूरी करनी है दिन की, अगर आप भूल गए हैं तो 3 कैप्सूल एक साथ ले लें। और एक जो आखिरी सवाल है, जो हमारे नए साथी नॉन आरसीएम पीपल जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनके लिए, उनकी तरफ से एक सवाल है कि हेल्थ कार्ड गामोरिज़मोल कैसे मिलेगा? हेल्थ कार्ड गामोरिज़मोल आरसीएम मार्केटिंग एसोसिएट से मिलेगा। आरसीएम इंडिया की बहुत बड़ी MLM कंपनी, अगर मैं कहूँ नंबर वन कंपनी है तो मैं गलत नहीं होंगी, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट MLM कंपनी इन इंडिया। तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं, तो आप जो भी आपके नियर बाय बिजनेस एसोसिएट हैं आरसीएम के, आप उनसे आसानी से गामोरिज़मोल ले सकते हैं। जी, इसी के साथ हम जो पिछले हफ्ते हमारे पास कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन आए थे, हमने सभी क्वेश्चन टेकअप कर लिया और उनका आपने बेहतरीन आंसर दिया, और मुझे उम्मीद है कि अभी और कोई इसका गामोरिज़मोल का प्रश्न आपके मन में इसके रिगार्डिंग नहीं रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने, जिन आरसीएम एसोसिएट्स ने गामोरिज़मोल के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा बीवी किया है, और वो अपनी अगर सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो एक नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 88-473-12-706-88-473-12-706। आप इस नंबर पर अपनी सक्सेस स्टोरी की छोटी सी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसे हम आने वाले हफ्तों में UES किसी चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, और उसमें वीडियो में आप अपना नाम, RCM ID और अपनी स्टोरी बता दीजिएगा कि गामोरिज़मोल से आपने कैसे अपने सारे टारगेट पूरे कर लिए और एक ही प्रोडक्ट से आपने सभी क्लब्स अचीव कर लिए। तो आप एक बार नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, 88-473-12-706-88-473-12-706, और इस नंबर पर आप वो वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और आने वाले हफ्तों में हम उसे जरूर इसी माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद आज के हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अगर आपके कोई भी और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताते रहिएगा, और हम सबकी ओर से मैम को भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे साथ इस क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू बीनू, थैंक यू सो मच। जैसे कि बीनू ने बताया कि हम सक्सेस स्टोरीज का आपके इंतजार करेंगे, कैसे आपने अपने परिवार को फायदा दिलवाया गामोरिज़मोल के सेवन से, और कैसे लोगों को फायदा दिलवाया, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये अब देश के लिए काम हो रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री को हमारी जरूरत है। तो अब हम हर काम अपने कंट्री के लिए करेंगे, अपने देश को अच्छा स्वास्थ्य देंगे और अपनी इकोनॉमी को भी बड़ी जल्दी ऊपर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू बीनू, थैंक यू।